इंडियन सिटीजन के हम पीवीएस से क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2016 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ एक्स हैज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरवल, हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है, देन फॉर अ रियल नंबर्स ए एंड बी 0 ग्रेटर देन ए, 0 लेस देन ए, लेस देन बी, लेस देन 1, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स, लेस देन बी, गिवेन एक्स ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू। ठीक है, तो हमें ये जो है वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एफ एक्स जो है वो क्या है। देखिए हमें पता है कि जो कोई भी अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर एक्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा बीटा, तो क्या होता है, जिसका पीडीएफ होता है वो पीडीएफ क्या आता है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहां पे क्या बताया गया, यहां पे जो है एक्स है, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन एक्स का जो है एक्स फॉलो यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, इस इंटरवल में है, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 1, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो पीडीएफ है वो हमारा 1 है। तो देखिए अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालने के लिए कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी गिवेन एक्स ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2, ये चीज जो हमें निकालना है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यहां पे होगा एक्स ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2, बाई क्या होगा, बाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2। देखिए इस चीज को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हमें बताया गया है कि जो यहां पे जो ए है वो बी से छोटा है और ए जो होगा वो ए बी बाई ए प्लस बी बाई 2 से भी छोटा होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन बी, क्योंकि ये जो है ये बी से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ए बाई हो जाएगा, देखिए अभी यहां पे देखिए ए प्लस बी बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन 1, क्योंकि ए का जो एक्स का जो इंटरवल है वो 0 से लेकर 1 तक है, तो ये हो गया। अभी देखिए हम यहां पे प्रोबेबिलिटी जो है पीडीएफ जो है वो पता है, तो यहां पे आप वैसे इंटीग्रेशन कर देंगे, हम इंटीग्रेशन ए प्लस बी बाई 2, यहां पे बी, यहां पे होगा डीएक्स, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए प्लस बी बाई 2 1 डीएक्स। देखिए यहां पे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एक्स, वैल्यू क्या बैठाना है, वैल्यू बैठाना है ए प्लस बी बाई 2 और यहां पे बी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स, ठीक है, वैल्यू क्या होगा 1 ए प्लस बी बाई 2, आप वैल्यू जो है वो बैठा दीजिए। यहां पे अगर हम वैल्यू बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे आ जाएगा बी माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और यहां पे होगा 1 माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो यहां पे देखिए 2 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 बी माइनस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 2 माइनस ए माइनस बी बाई 2, तो यहां पे 2 और 2 कट जाएगा, तो यहां पे देखिए यहां पे 2 बी माइनस, यहां पे माइनस बी है, तो हो जाएगा बी माइनस ए बाई 2 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो आंसर क्या मिला, आंसर हमें मिला है ए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको पीडीएफ पहले पद निकालेंगे, इसके बाद ये चीज से ये चीज अगर आप ला दिए तो आंसर बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में, वीडियो का कंफ्यूजन नहीं है, अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी लड़ोगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।